फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हम राज्योत्सव देखने के लिए, तो चलते हैं हम और देखते हैं राज्योत्सव में क्या क्या है इस बार। शुरुआत करेंगे हमें बाम्बू से बने हुए साइकिल की, जो प्योर बाम्बू से बना हुआ है। आगे चलेंगे, देखेंगे कितनी भीड़ है, कितने लोग राज्योत्सव का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। मोस्टली जो है मुझे यहाँ पर बस्तर आर्ट्स जो है वो काफ़ी सारे स्टॉल्स में दिखा। आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के बस्तर आर्ट्स हैं। इवन चेस का जो बोर्ड है उसमें भी बस्तर आर्ट को यूज़ किया गया है। अगर आपने इस साल जो है राज्योत्सव मिस कर दिया है तो अभी तो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ट्राई करें कि आप राज्योत्सव जब भी लगे, आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं छत्तीसगढ़ के, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ भी रहते हैं, तो आके यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। आपको पक्के में पक्के यहाँ पे मज़ा ज़रूर आने वाला है। काफ़ी सुंदर लाइटिंग की गई है, अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हुए हैं और जगह जगह आपको ये छोटे छोटे टॉयज भी बिकने के लिए मिलेंगे। देख रहे होंगे आप, छोटा सा दिख रहा था जो सींग वाला जो है, हेलोवेन वाला जो है, हमने भी परचेज किया है अपने बीवी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कार वगैरह की भी एक्सिबिशन लगी हुई है, जो गाड़ियाँ हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उसका स्टॉल है। यहाँ पे कोविड का टीकाकरण भी चल रहा है। सारी जो छत्तीसगढ़ में फैसिलिटीज़ हैं, जो छत्तीसगढ़ में जितने विभाग हैं वो सारे स्टॉल्स यहाँ लगे हुए थे। दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि कौन सा स्टॉल कैसे कैसे, मतलब कौन से विभाग कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कोविड का टीकाकरण भी चालू है। जगह जगह जो है पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कुछ भी मिसहैप मत हो, कुछ भी फॉल्ट मत हो। जो ये पूरा इतना आयोजन किया गया है राज्योत्सव का, उसमें कुछ भी कहीं पर फॉल्ट मत आए, इसलिए जगह जगह पुलिस जो है वो तैनात में थी। ये है परिवहन विभाग का स्टॉल। अलग अलग तरीके के खिलौने बिकते हुए अब फिर हम देखते हैं अगले स्टॉल पे क्या है। यहाँ पे बस्तर आर्ट, बहुत ही सुंदर सुंदर बस्तर आर्ट है। अगर आपको घर से जाने का बहुत शौक है, इस तरीके के मटेरियल्स आपको लेना पसंद आते हैं, इस तरीके के जो आर्टिफैक्ट्स आपको पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करिए राज्योत्सव। इस ईयर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर आपको करना ही है। यहाँ पे जो दीदी है वो एक रुमाल पे उसी समय जो है पेंट करके दे रही थी। आपको मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, यहाँ पे जो नीचे दीदी दिख रही है वो तुरंत रुमाल में पेंट करके वहाँ पे भेज रही थी। देखेंगे बाम्बू से बने हुए, बांस से बने हुए जो स्टूल्स वगैरह हैं, सोफ़ास वगैरह हैं, और भी कई सारे सामान हैं जो हम डेली अपने, मतलब अपने घर के बेडरूम हो गया या फिर हॉल हो गया, वहाँ पे से जाने के लिए ले सकते हैं। और काफ़ी सारे सुंदर सुंदर, ये पूरा सुंदर सोफ़ा सेट है। हर
हर एक काउंटर में मतलब आपको बाम्बू, मिट्टी के बने हुए और बस्तर आर्ट, ये जो है ये मतलब मैक्सिमम काउंटर्स पे था, लेकिन हर काउंटर में आपको जो अलग वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे इस वाले काउंटर में भी देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर जो है बेल मेटल क्राफ्ट्स है, ये सब बस्तर आर्ट जिसे कहते हैं। फिर से आ गया, देखिए आपको मैंने बताया कि हर एक काउंटर में अगर बाम्बू से बना हुआ सामान है तो हर एक काउंटर में जो वैरायटी है आपको अलग ही मिलेगी। जैसे इस वाले काउंटर में देखिए आपको बेल मेटल का जो है वो अलग ही तरीके से। अब हम चलेंगे अलग अलग काउंटर्स में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का, उसके अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, उसमें हम देखेंगे। जैसे ये पूरा वाटर डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, लोक कल्याण विभाग का वो है काउंटर है। ये बहुत ही अच्छा मिनिएचर बनाया गया है छत्तीसगढ़ का, जो रोड कनेक्टिविटी है उसका, जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनका ये जो मिनिएचर दिखाने की कोशिश की गई है। ये नेक्स्ट काउंटर है छत्तीसगढ़ जल संपर्क का। अलग अलग जो आभूषण पहने जाते हैं उसके बारे में दिखाया गया है, जो वन्य जीवन पाए जाते हैं उसके बारे में दिखाया गया है, लोक नृत्य के बारे में दिखाया गया है यहाँ काउंटर में, अलग अलग जो जलप्रपात है उसके बारे में दिखाया गया है यहाँ काउंटर में। कहाँ कहाँ पे जो हिस्टोरिकल जो निशान वगैरह पाए गए हैं उसके बारे में दिखाया गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में इसमें दिखाया गया है, कौन से जगह लोकेशन है जहाँ पे जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का है वो सारी लोकेशन को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बहुत बड़ा सा स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट काउंटर है टूरिज्म का, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का। यहाँ पे कौन से जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं छत्तीसगढ़ में जिसे हमें विजिट करना ही चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जितने लोकेशन है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ के सदर्न साइड में है वहाँ मैं जा चुकी हूँ, मैक्सिमम स्पॉट मैंने कवर किया ही है। बचा है मैनफाट और अंबिकापुर, जिसका हम जल्दी ही प्लानिंग करेंगे। सिरपुर है, सिरपुर के बारे में बताया है यहाँ पे, बस्तर के दशहरा के बारे में, लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर में, जतमई जलप्रपात है, राजीव लोचन मंदिर है, सारी चीज़ों को। और ये बहुत ही सुंदर जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, और साड़ियाँ भी। नेक्स्ट काउंटर है जो विकलांग लोगों को सशक्तिकरण में, जो विकलांगों का जो दिव्यांग सशक्तिकरण वाला जो है वो काउंटर है। यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा जो रंगाकरण कार्यक्रम हो रहा था, ये जो है इसका जो है मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप इसे शॉर्ट्स में देखें। ये जो यहाँ पे भाई साहब लोग गाना वाना गा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये लोग गाना बजाना कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा डिपार्टमेंट, यहाँ पे दिखाया गया है सोलर पैनल वगैरह का कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है पंचायत और ग्रामीण विकास वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो,
और यहाँ पे जो है इस काउंटर में आपको काफ़ी चीज़ें परचेस करने के लिए भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो काउंटर में जो लेडी दिख रही हैं वो ब्लैक राइस सेल कर रही थी। हमने कभी खाया नहीं, हम इंटरेस्टेड थे बट हमने लिया नहीं। कई जगह मिनीचर जो दिखाया गया है, मिनीचर फॉर्म में दिखाया गया है, जो प्रोजेक्ट वगैरह जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में ही मोस्टली जो है ये मिनीचर जो है प्रोजेक्ट का एक फॉर्म दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो काउंटर है नगरीय प्रशासन का, तो शहर में क्या क्या विकास हो रहे हैं, क्या क्या है उसके बारे में, और कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स जो है ये सब बेचने के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है वो सब बेचने के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। काफ़ी कुछ यहाँ पे ख़रीदने लायक था। यहाँ पे देखिए ये मैडम लोग जो हैं काफ़ी सारे जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है और कुछ कुछ खाने पीने का सामान ये सब बेच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे गोबर, जो गोबर आता है उसका, जो गाय का गोबर होता है उसके दिए भी बिक रहे थे, कुछ ऑयल्स लोशंस और खाने पीने का सामान, उड़द दाल की बड़ी, रहर दाल की बड़ी, सब बड़ी वगैरह भी बिक रहे थे। ये जो काउंटर है यहाँ पे बहुत भीड़ था। ये आदिम जाति, जो आदिवासी जो जाति होती है, जनजाति, उनका डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लोग सज सज के बैठे हुए हैं, जो आदिवासी जो गेटअप है उसमें बैठे हुए हैं। और ये इस जो काउंटर में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि आप कहीं मतलब किसी गाँव के घर में आ गए। देख रहे हैं चूल्हे में खाना बन रहा है, सुपर टंगा हुआ है। और ये जो मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं पता है, ये सुपा है और कुछ 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 जैसे डंगनी है, उसमें कपड़े टंगे हुए हैं। ये पूरा मतलब गांव का जो व्यू है उसको दर्शाता है। और यहाँ पे जो ये लोग हैं इनके साथ काफ़ी लोग फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे जो इस वक्त इधर इस तरफ जो है काफ़ी डांस हो रहा है, कैप्चर करना मुश्किल था, इतनी भीड़, इतनी भीड़ लोग वहाँ पे मतलब घुस के अंदर, जो आदिवासी वाला जो डांस कर रहे थे उनके साथ वहाँ पे डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ का तो शॉट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत गर्मी भी हो रही थी इस लोकेशन में, काफ़ी भीड़ थी। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो काउंटर है वो है महिला और बाल विकास का। यहाँ पे सब बताया जा रहा था कि जो बच्चों हैं, बच्चे उनको कब तक दूध पिलाना है, किस तरीके से हैंडल करना है। और यहाँ पे जो कुछ लेडीज़ हैं वो जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, जो हाथ से बने हुए हैं, सब छोटे छोटे जो अभी दिवाली के लिए काफ़ी यूज़फुल है डेकोरेटिव आइटम्स, उसे बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ आंटीज़ लोग हैं ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक व्यंजन है उसे, जैसे कि चौसेला हो गया, ये फरा हो गया, और ये कुछ लड्डू हैं, अरसा है, खुरमीर है, ठेठरी है, एक खाजा है, खुरमी है, और ये है बोबोता, और नमकीन है, और भी मतलब काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो छत्तीसगढ़ में बनते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखेंगे काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग बिना स्टॉल के भी बाहर में बेच रहे थे। कितनी सुंदर सुंदर जूतियाँ और कितनी सुंदर सुंदर मोजड़ीज हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी सारे बैग्स वगैरह बिक रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो है रीजनेबल प्राइस में, कुछ चीज़ें हैं महंगी, जैसे साड़ी वगैरह जो प्योर कोसा की साड़ी वो महंगी आती ही है, तो काउंटर्स में थोड़ी सी और कॉस्टली थी, थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, मतलब इतना सुंदर, मतलब देख के ही दिल खुश हो जाता है, एकदम हर चीज़ को ले लो लगता है।
देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ ज्वेलरीज बेच रहे हैं, मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन वगैरह है, कप्स हैं। कप का रेट मैंने पूछा था, एक कप था 25 रुपीज़ का, रिजनेबल प्राइस पे है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए मिट्टी के बर्तन, तो आप यहाँ पे आपको विज़िट करना चाहिए था और इसे ले ही लेना चाहिए था। और नेक्स्ट चीज़ है खादी ग्राम उद्योग, यहाँ पे भी कुछ सोप्स वगैरह थे जो खादी के बने हुए सोप्स हैं, और बॉडी वॉश था, कुछ कुछ ऑयल्स वगैरह भी थे, कुछ परफ्यूम्स वगैरह भी थे, और कुछ कुछ यहाँ पे मटेरियल्स, क्लॉथ मटेरियल्स भी थे, खादी के जो जैकेट्स वगैरह हैं। कोई भी काउंटर आपको खाली नहीं दिखेगा, देखेंगे हर काउंटर पे मतलब लोगों की भीड़ जमी हुई है, भले ही मतलब चीज़ें महंगी है सस्ती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब लोगों को देखना है, लोगों को एक्सप्लोर करना है। देख रहे हैं जो साड़ियाँ जो अभी देख रहे हैं आप, ये सब ये 5,000, 6,000, 7,000 मतलब 10+ भी है कई साड़ियाँ तो। बहुत ही सुंदर सुंदर और आकर्षक जो एकदम प्रिंट्स में है साड़ी। नेक्स्ट हम अलग से काउंटर में हैं जहाँ पे कुछ होममेड मतलब ये चिप्स वगैरह जो बिक रहे हैं, बुंजेलो का भी काउंटर है यहाँ पे। बुंजेलो काफ़ी फेमस है रायपुर में ब्रेड्स और केक्स वगैरह के लिए, और ये जो काउंटर है काफ़ी भीड़ है जहाँ ज्वेलरी वगैरह बिक रही है, बैंगल्स वगैरह बिक रहे हैं। ये है राजस्थानी टेस्टी अचार, उसके बाद ये हरे कृष्णा स्टोर जहाँ पे अगरबत्ती वगैरह बिक रही थी, कुछ स्वेटर्स वगैरह के भी काउंटर हैं। ये कुछ वट्टी वगैरह भी बिक रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ये अलसी गैस वट्टी। अगर आप राजस्व घूमने आ रहे हैं तो आप कुछ नहीं तो 3 घंटा लेके ही मतलब घर से निकले, कि हाँ हमें 3 घंटा तो लगने ही लगने हैं वहाँ अंदर काउंटर्स वगैरह देखते हुए। जैसे हम भी यहाँ पे आए हुए हैं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं तो 2.5 घंटा यहाँ पे हमने बिताए ही हैं, और जबकि हमने आदिवासी जो ट्राइबल फेस्ट था वहाँ हम एक भी कल्चरल प्रोग्राम देखने नहीं जा पाए, क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी भी है, वो क्रैंकी हो रहा था, अब हमको घर चले जाना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 घंटे के बाद यहाँ पे से हमने घर की ओर प्रस्थान कर लिया। काफी सारे आइटम्स हैं, मटका कुल्फी, रेस्टोरेंट सी, साइकिल, अगरबत्ती और भी बहुत सारे काउंटर्स। ये जो हेडबैंड वाला है, जो लाइट वाला, ये आपको हर जगह मिल जाता। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है ये वन विभाग का काउंटर है, काफ़ी बड़ा काउंटर है यहाँ पे, जो वन विभाग के जो पेड़ वगैरह हैं जो उसे प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं वो सारी चीज़ों को दिखाया है यहाँ पे। और काफ़ी सारे जो आइटम्स खाने पीने के भी यहाँ पे बिक रहे थे, जैसे कि आइसक्रीम, सीताफल का आइसक्रीम है था यहाँ पे, मैंने उसे ट्राई भी किया था, काफ़ी अच्छा आइसक्रीम था वो, और वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे 30 रुपीज़ का। ये दवाइयाँ वगैरह जो है, जो पाउडर वगैरह है, उसका काउंटर है। बांबू से बने हुए काफी सारे चीज, सुंदर सुंदर बास्केट, सजावट की सामान, सोफा, स्टूल्स, इतना सुंदर जो फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में, उसका छोटा सा मिनी परफॉर्म दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे सब
जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मतलब आप तक पहुंचाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यही है वो सीताफल वाला जो जहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाया था 30 रुपीज़ कप में। और भी कुछ कुछ जो है अलग अलग वेराइटीज ऑफ राइस यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप राजस्व घूमने आ रहे हैं तो आप 4 बजे यहाँ पहुँच ही जाइए, शाम को बहुत भीड़ हो जाती है। ये देखेंगे, ये है मारवाड़ी लाख के चूड़े। छत्तीसगढ़ जो है आप देखेंगे बीच में है हमारे भारत के, तो यहाँ पे हर आपको कल्चर आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ी कल्चर और ट्रेडिशन तो है ही है, बट आपको अलग अलग कल्चर भी मिलेगा। ये जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ मारवाड़ी चूड़ा भी आपको मिल गया, अलग अलग वेराइटीज़ हैं यहाँ पे हर चीज़ों की। ये कुछ आंटी जी खादी के आइटम्स बेचते हुए, आइसक्रीम वगैरह है। और ये लास्ट काउंटर मैं जो कैप्चर कर पा रही हूँ, यहाँ पे जो कोसा सिल्क बनता है उसका जो कुकून है, जिस कुकून से कोसा की साड़ियाँ बनाई जाती है, उसके थ्रेड बनाया जाता है, उसका काउंटर यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। अलग अलग वेराइटीज़ हैं जिससे कोसा साड़ीज बनती हैं। ये कुकून है जिसमें लार्वा डेवलप होता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है, तो ये रेशम का कीड़ा है। आई होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस ऐसे ही आगे देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।